पिगमेंटेशन चेहरे के ऊपर काफ़ी कॉमन है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी हेयर डाई है वो भी एक कारण हो सकती है, धूप में घूमने से भी, और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कारण भी हो सकता है, और बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, बॉडी के अंदरूनी कोई फैक्टर हो गया, तो उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है। और इसको रिमूव करने का सबसे आसान उपाय होता है कि हम पॉजिटिव एजेंट को ही ख़त्म कर दें, और अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, आप दवाई लगा भी रहे हैं, बार बार वापस आ रहा है, तो इसको हम लेज़र से, केमिकल पील से, लेज़र भी कई तरह के हैं, और केमिकल पील हो गई इनके, इनसे या PRP इनसे पिगमेंटेशन दूर किया जा सकता है। इसके अलावा स्किन लाइटनिंग, जो मिलेनिन पिगमेंट को बनने ही ना दें, ऐसी दवाइयाँ आती हैं, उससे मिलेनिन पिगमेंटेशन की फॉर्मेशन कम हो जाती है और हमारी जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। बहुत सारे केसेस में अगर आपकी सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, अगर डीप है तो उसमें फिर समय लगेगा। तो क्योंकि स्किन का मामला है, हम ज़्यादा इसके साथ ओवर एक्सेसिव फोर्स नहीं यूज़ कर सकते, ना ही करना चाहिए, उसके तो उल्टे इफेक्ट आ जाते हैं, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इसके ऊपर कोई फोर्स या इसको ऐसे करने की कोशिश करें, वाइट करने की कोशिश करें, कोई हार्ड केमिकल लगाएं, कोई ब्लीचिंग एजेंट्स लगाएं, तो उससे स्किन उल्टा काला होने की संभावना रहती है। और आप बेटर यही है कि आप हमारे पास आके स्पेशलाइज केयर करें और आपका ट्रीटमेंट करवाएं। ये हम इनके अभी हमने एनडी या लेज़र किया है, और इसके बाद हम केमिकल पील कर रहे हैं। केमिकल पील भी हमने दो तरह की है, एक आर्जिनिन पील की है, आरजी पील इस मेडिडर्मा की है, और इसके अलावा हमने मैंडेलिक एसिड पील की है। तो ये दो अलग अलग टाइप की पील्स हैं, हम इनकी कर रहे हैं ताकि इनकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाए। क्योंकि दूर से आए हैं तो हम दो तरह की केमिकल पील ट्रीटमेंट एक साथ हम कर रहे हैं ताकि इनका इफेक्ट काफ़ी अच्छा आ जाए। तो अगर इनका फीडबैक इनका आते ही हम आपको अपडेट भी करेंगे, और हम आशा करते हैं कि इनका अच्छे से जल्दी इनका इफेक्ट इनको दिखाई दे। धन्यवाद।